आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार लौकी के कोफ्ते प्याज वाली ग्रेवी के साथ। बिना प्याज वाले कोफ्तों की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप प्याज खाते हैं तो डेफिनेटली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत बढ़िया बनती है। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। और रेसिपी से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि तभी आप तक मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी लौकी। लौकी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि लौकी कच्ची हो। और अगर मान लीजिए जो लौकी आप यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप लौकी को दो पोर्शंस में डिवाइड करें और कोफ्ते बनाने के लिए आप ऊपर वाले पोर्शन जिस साइड पर स्टेम होती है उस पोर्शन का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने लौकी को दो टुकड़ों में काट लिया है और मैं ऊपर वाले पोर्शन को अच्छे से छील के इसे कद्दूकस करने वाली हूँ। ऊपर वाले पोर्शन बहुत ही अच्छे से कद्दूकस होता है और इसके बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो आइए इसे हम जल्दी से कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी लौकी कद्दूकस होकर एकदम तैयार है। क्योंकि लौकी में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे नमक लगाकर लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ थोड़ा सा नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर लौकी को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम दोनों हाथों से इसे अच्छे से दबाएंगे और इसका पानी निकाल देंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े में या फिर नेट में इस कद्दूकस की हुई लौकी को रख सकते हैं और इसे निचोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें इससे अलग करना है। और लौकी निचोड़ने के बाद में जो पानी बचेगा आप उससे आटा मल सकते हैं या फिर दाल या सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे कोफ्ता बनाते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग लौकी का जूस पीना पसंद करते हैं, तो आप जूस की तरह भी इस पानी को पी सकते हैं। तो यहाँ पर लौकी मैंने अच्छे से निचोड़ के रख ली है और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी खासी ड्राई हो चुकी है। और अब बारी आती है इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स को मिलाने की। तो यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, साथ ही ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और कोफ्तों के बढ़िया टेस्ट के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ काजू। हालांकि काजू ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें बेसन ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर दो बड़े चम्मच बेसन के ऐड कर रही हूँ। बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बेसन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो हमारे कोफ्ते टाइट बनेंगे। और थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और एक बार इसकी बाइंडिंग चेक कर लें कि कोफ्ते इसके बन पाएंगे या नहीं, ऐसा ना हो कि कोफ्ते तलते समय फट जाएं। और अगर हमको लगेगा कि इसके अंदर बेसन कम है तो हम थोड़ा सा बेसन इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। और मुझे इस मिक्सचर में अभी बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून के करीब बेसन और ऐड कर रही हूँ। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करें और ये इस समय मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इससे कोफ्ते। अब मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो मुझे दिखाना पड़ता है, वीडियो बनाते समय थोड़े से मैं बॉल्स इकट्ठे बना के रखूँगी, वरना जैसे जैसे आप बॉल्स बनाते जाएं वैसे वैसे आप इसे तलने के लिए कढ़ाई में डालते जाएं। क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से नमक डाला हुआ है, तो नमक की वजह से ये एकदम सॉफ्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से हमें कोफ्ते बनाने हैं छोटे छोटे, और इन्हें हम सीधे कढ़ाई में डाल देंगे तलने के लिए। पहले कढ़ाई में हम एक कोफ्ता तल के देख लेंगे कि ये फट तो नहीं रहा है। अगर ये फट रहा है इसका मतलब इसमें बेसन की और ज़रूरत है। कोफ्ते तलने के लिए हमें ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल की ज़रूरत है और ना ही बहुत हल्के। तो यहाँ पर कोफ्ता डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। और कोफ्ता डालने के तुरंत बाद हमें इसे करछी से टच नहीं करना है। जैसे ही ये हल्का सा नीचे की तरफ से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो, उसके बाद में आप इसे करछी से पलट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोफ्ते लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। और अब हम इन्हें करछी से अच्छे से घुमाते हुए चारों तरफ से एक साथ सेक लेंगे। और ये लीजिए, हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ और इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। कोफ्तों के बाद में बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। साथ ही हमें चाहिए एक कप मोटा कटा हुआ प्याज। सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर प्याज को मैं मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, साथ ही इसमें ऐड करने वाली हूँ अदरक, मिर्ची और लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली हैं। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट इन सारी चीज़ों का बनकर एकदम तैयार है। अब एक नॉनस्टिक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 1/4 टी स्पून हींग, 1 टी स्पून जीरा,
जीरे के अच्छे से भुन जाने के बाद में इसमें ऐड करें 2 तेजपत्ता। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे प्याज का पीसा हुआ पेस्ट। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें और मीडियम फ्लेम पर हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। सब्जी का टेस्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हम प्याज कितने अच्छे से भूनते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्याज जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे भूनते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। साथ ही ऐड करें 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और एक बार मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरे। यहाँ पर मैं फ्रेश टमाटो प्यूरे का यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी है 1 कप। तो टमाटर डालने के बाद में हम फिर से मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर की क्वांटिटी रिड्यूस ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करें 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई, जो कि दूध के ऊपर आ जाती है, घर की बनी हुई मलाई है। आप चाहें तो इसमें मार्केट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें घर पर इजीली अवेलेबल हैं आप कोशिश करें कि उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर। पनीर की वजह से ग्रेवी को बहुत ही रिच लुक मिलेगा और इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और जो पानी आप ऐड करें वो थोड़ा गुनगुना हो, यानी ल्यूक वार्म वाटर इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जिस भी तरह की आपको चाहिए उसी अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। जब हम ग्रेवी में कोफ्ते ऐड करेंगे तो वो भी अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए भले ही आपको इस समय ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही हो लेकिन जब हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे तो ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को फुल पर कर दें और ग्रेवी को अच्छे से पकने दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आने लगा है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया था इसकी ग्रेवी बनाते हुए, इसलिए आप जब चाहें इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद में हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और पैन को ढक देंगे और कोफ्तों को लगभग 5 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। और ये लीजिए, 5 मिनट के बाद में हम लिड हटाकर देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और कोफ्तों को तलते हुए जो ऑयल उसके अंदर चला जाता है वो भी ग्रेवी में निकल आता है, उसकी वजह से जो ग्रेवी है वो देखने में और भी ज़्यादा रिच लगने लगती है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करने वाले हैं और धनिया ऐड करते ही ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है और इससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म कोफ्ते सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।